हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस लर्निंग। आज हम बात करेंगे क्लास एट्थ की फिजिक्स सीरीज है उसका एक फर्स्ट चैप्टर है मैटर। तो ये मैटर है, इससे पहले मैं कुछ जो कॉन्सेप्ट मैप है और इसके भी कुछ वीडियो है वो अपलोड किए थे। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका एक वीडियो बनाइएगा, फुल चैप्टर का एक वीडियो बनाइएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ हुआ क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर बनाना इतना आसान नहीं होता, उसको रिकॉर्ड करना, अच्छे से बनाना, लेकिन आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ। तो और साथ में कुछ और बच्चे बोल रहे हैं कि सर पूरा का जो बुक है मेरी बुक से पढ़ाइए, मेरी बुक से पढ़ाइए, मेरी बुक से पढ़ाइए। तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह समझिएगा, कितने सारे स्कूल्स हैं इंडिया में देखें हम तो कितने सारे स्कूल्स हैं। अब हर स्कूल में जो बुक्स वगैरह होती हैं वो अलग अलग अपनी जो बुक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स क्या है वो फॉलो करते हैं, चलाते हैं। तो हर बुक का जो पूरा का पूरा उस तरह से एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करके पूरा अपलोड करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा कि आप कोई भी बुक आपके स्कूल में चल रही है, किसी भी बुक से आप पढ़ें, कोई बुक फॉलो कर रहे हैं स्कूल वाले, आप पहले इस जो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, एक दो बात देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे परफेक्ट करिएगा, फिर इसके बाद आप कोई भी बुक है स्कूल में आपकी कोई भी बुक चल रही है किसी भी पब्लिकेशन की है आप उसको पढ़िएगा, फिर देख लीजिए, देखना आपकी चीज़ें जो भी हैं वो क्लियर होंगी, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो ये सब है। अब क्या है कि हो सकता कि ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं जैसा मैं बताता हूँ कि आप ब्रेक कर करके इसको देखिएगा, आप मॉर्निंग में उठ के देखिएगा, सबसे बढ़िया हैबिट है आपको ये अपनी लाइफ में जनरेट करनी है। मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले एक घंटे वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप पढ़ाई करिए, जो भी है आप पढ़ाई जरूर करिएगा, दुनिया के सारे काम छोड़ के आपको क्या करना है, पढ़ाई जरूर करना है। अगर ये आपने लाइफ में अपने हैबिट जनरेट कर ली तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपको मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले जरूर पढ़ाई करनी है, नहीं तो इस वीडियो को आप एक दो बार अगर देख लेते मॉर्निंग में सुबह उठने से पहले तो क्या है आपको चीज़ें याद रहेंगी, कभी भूलोगे नहीं। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपडेट हैं आपको मिलते रहें, और इससे मेरा भी मोटिवेशन, मैं भी मोटिवेट होता हूँ क्योंकि कोई आपसे फ़ीस तो ले नहीं रहा है ना, ऐसा तो है नहीं आपको फ़ीस पे करनी पड़ रही है, कोचिंग में जाते हैं बहुत सारी फ़ीस भी आप पे करते हैं, यहाँ पे तो क्या आपको फ्री में सारी ये सब कुछ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस ये समझ लीजिए कि आपके गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है जो कि ये मैं ले रहा हूँ कि आप लाइक भी करिए, इससे हमको पता चलता है कि हाँ कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है लोगों को। तो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर ऐसा हुआ कि लगता है कि भाई वीडियो आप लाइक कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो देखिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो मैटर क्या है, मैटर जो मैटर है हमारा क्या है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आप चारों तरफ देखिएगा जितनी बॉडी रखी हैं वो क्या है, मैटर से बनी हुई हैं, कुछ भी हो सकता है, वो सारा क्या है, मैटर है हमारा, एनीथिंग। मीन्स क्या है कि जिसने स्पेस कुछ कवर कर रखा हो या कुछ उसका मास हो, या फिर आप उसे परसीव कर सकते हैं, देखने देखकर बाय सेंस से आप उसे क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, वो क्या है, मैटर है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो जो हमारा डस्ट है, डस्ट का पार्टिकल है, छोटा सा छोटा जो डस्ट का पार्टिकल वो भी क्या है, वो मैटर के अंदर आता है। और साथ में क्या है कि इस जो यूनिवर्स में लार्जेस्ट स्टार वो भी हमारा क्या आता है, वो भी हमारा एक मैटर से बना हुआ होता है, ठीक है। छोटे छोटा पार्टिकल है वो भी मैटर से बना है, और जो बड़ा से बड़ा अगर स्टार की बात कर लें हम, कोई भी स्टार यूनिवर्स में, तो वो भी क्या है, मैटर से बना हुआ होता है। अगर बात करते फॉर्म, तो तीन फॉर्म में पाया जाता है, थ्री स्टेट्स होती हैं इसकी, क्या होती हैं, थ्री स्टेट्स होती हैं, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किसकी, मैटर की। बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब इसमें देखिएगा अगर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मैटर, जो भी मैटर, ऑल हमारे मैटर्स होते हैं, अगर हम फिजिकल स्टेट को अगर साइड में रख दें, फिजिकल स्टेट की अगर हम बात ना करें, तो क्या है कि जो फिजिकल स्टेट हम उसकी बात ना करें, तो सारे जो मेटल हैं हमारे किससे बने होते हैं, एलिमेंट से बने हुए होते हैं। जैसे कि मान लो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं, ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, वो सारे क्या हैं, वो आपके मैटर हैं, वो आपके क्या हैं, वो आपके मैटर हैं, लेकिन किससे बने, एलिमेंट से बने, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के जो मिक्सर है, एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में जो मिलते हैं, इसके बाद क्या बनाते हैं, हमारा मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, इसके बाद हमारा क्या बन रहा है, मैटर बन रहा है। तो क्या एलिमेंट को अगर डिफाइन करना चाहें, तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके, मेटल के, ठीक है, किसके, मैटर के।
तो अब बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट भी एक क्या है, एक सब्सटेंस है। ये क्या है? एक सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे स्मॉलर इसको जो सब्सटेंस है उसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी किसी तरह से भी, चाहे वो फिजिकल मीन्स में आ जाओ, चाहे फिजिकली मेथड में आ जाओ या फिर केमिकल मेथड में आ जाओ, किसी भी मेथड से हम इसको क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आप केमिस्ट्री में और पढ़ोगे अच्छे से, अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो टोटल अभी तक कितने हैं, 118 एलिमेंट हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स जो क्या किए गए हैं। इसमें क्या है कि 92 क्या है, नेचुरल है, और जो रिमेनिंग जो बचते हैं जो एलिमेंट्स वो क्या हैं, वो सिंथेटिक हैं, जिनको बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 118 टोटल जो एलिमेंट्स अब तक जो पता किए गए हैं 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर एटम की बात करते हैं तो एटम क्या है, एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसकी है? एलिमेंट की। एलिमेंट्स की क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। और एटम का है क्या है कि इसे फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, जो एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या है, एलिमेंट की है। तो ये क्या है कि ये भी एक इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड हो सकता है और नहीं हो सकता है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जैसे कि कुछ आपने नाम सुना होगा, बोहर का नाम सुना होगा, बोहर एटॉमिक थ्योरी, और मॉडर्न का नाम सुना होगा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। नहीं सुना है तो आगे अब जब केमिस्ट्री वगैरह की आप लेक्चर देखेंगे तो केमिस्ट्री में आपको पता चलेगा बोहर एटॉमिक थ्योरी है और जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। तो दोनों थ्योरी सिर्फ एक चीज़ पर कोरिलेट करती हैं कि क्या बताती हैं कि भाई जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसमें जो एटम है, एटम क्या करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है, मीन्स एटम के बिना वो पॉसिबल है ही नहीं। तो एटम क्या करता है, एटम ही क्या करता है, उसमें भाग लेता है, तब जाके हमारी जो केमिकल रिएक्शंस वो क्या होती हैं, प्रोसीड होती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो एटम ये है, इसका जो एग्जिस्टेंस है किसी के ऊपर डिपेंड हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, मतलब ये इसका क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हमारे क्या है, एटम दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल को डिफाइन करना चाहो तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, मैटर की। किसकी यूनिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, मैटर की। ये क्या है ये क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है ये? इंडिपेंडेंट रहती है, इसका जो एग्जिस्टेंस है किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं जैसे मैटर किसकी यूनिट है, एक मैटर की यूनिट, किसकी यूनिट है, मैटर की, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस तरह समझिएगा। अगर हमको प्रॉपर्टी पता करनी है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी पता करनी है, तो किसकी पता करेंगे, हम मॉलिक्यूल की पता कर लेंगे, तो उससे हमें किसकी पता चल जाएंगी, मैटर की प्रॉपर्टी, जो केमिकल है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पता चल जाएंगी। क्लियर हुआ, समझ में हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप पॉज करिए, जो अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं उनको दोबारा से एक बार देखिएगा, रिपीट करिएगा, सुनिएगा, आपको ये सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर बीच में अगर आप बोर हो तो पॉज करिएगा, आपको बिल्कुल नहीं देखना है, आप पॉज करिए वीडियो और बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, दूसरे दिन देखिएगा। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना जरूर है। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूल। अब इस पूरे चैप्टर में, पूरे होल चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो आप देखिएगा कि आपने क्या पढ़ा, एटम के बारे में पढ़ा और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा। ठीक है, एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर मोस्टली हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा कि जो एटम है, एटम तो क्या है, बहुत छोटे हैं, और मॉलिक्यूल्स भी क्या है, मॉलिक्यूल्स भी काफ़ी छोटे रहते हैं। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल आप आंखों से देख लो, नेक्ड आई से देख लो, नहीं, ये क्या होते हैं, अगर आपको देखना है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, अगर आपको देखना है तो पावरफुल आपके पास क्या होना चाहिए, माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तब जाके इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, इतने स्मॉल, इतने छोटे रहते हैं। अब देखिएगा, अगर हम जैसे अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर सेम टाइप के एलिमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, क्या है कि ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, तो क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, O2, क्या होता है O2। बात करते हैं वाटर की, क्या होता है H2O। तो इसमें देखिएगा, अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या है, जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन के वो क्या है, सेम है, दोनों में सेम है। वाटर की बात करते हैं, क्या है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसमें क्या है, सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, फॉर्म होता है ना। क्या है कि देखिएगा, इसमें क्या है,
आपने देखा है कि सेम जो एलिमेंट है, एक चीज इस चीज को क्लियर करिएगा कि जो एलिमेंट है वो क्या है। सेम मींस जो एटम आए हुए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, इसमें क्या है जो एटम है सेम एलिमेंट के हैं, तो क्या फॉर्म किया, मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। एक बार और समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि एटम है, ठीक है, एटम आपस में कंबाइन हुए क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है O2 होता है और वाटर क्या होता है H2O, ठीक है, तो इसमें क्या है जो एलिमेंट है सेम टाइप के एलिमेंट, जो एटम है सेम टाइप के हैं, किसके हैं, ऑक्सीजन के। मीन्स ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके जो एटम है क्या है, सेम टाइप के हैं। और इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के भी एटम और हाइड्रोजन के भी एलिमेंट, इसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेकिन क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं, एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया क्या मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि काफ़ी स्मॉल जो एटम है और जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या क्या रहते हैं, काफ़ी छोटे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए क्या चाहिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। अब क्या है कि बहुत से जो साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव भी हुई है का, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया इसको कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम हैं, जो सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल और एटम रहते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उनमें मोशन होता रहता है, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए, समझने के लिए क्या है कि हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो क्या है कि जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है सब्सटेंस में, उसका मूवमेंट अच्छे से स्टडी करने के लिए, समझने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो काइनेटिक थ्योरी जो मैटर की, उसको हमको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो देखिएगा, इसकी स्टडी करिएगा, समझिएगा। तो अब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए, इस पर बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना बिल्कुल बना के रखिएगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है। देखिएगा, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, सबसे पहले जो मोशन ऑफ पार्टिकल है उसके रिगार्डिंग क्या है, कुछ पोस्टुलेट्स हैं इसके, क्या है पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट हैं, मेन पोस्टुलेट हैं, इनको समझिएगा, एक एक करके मैं बताता हूँ। फर्स्ट जो पोस्टुलेट है क्या है कि मेटल क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और उनकी क्या है जो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, मोशन होती रहती है, उस मोशन की वजह से उनके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। फर्स्ट जो पोस्टुलेट है क्या है कि मैटर है, छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं वो पार्टिकल्स, इस वजह से उनके पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जैसे आप क्या है कि आप दौड़ लगा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, है ना, तो आप क्या बोलते हैं ना कि भाई एनर्जी आ गई है दौड़ने भागने से। तो एनर्जी क्या होती है, अगर कोई बॉडी के अंदर क्या है कि मास है, कोई बॉडी के अंदर मास है और वो एक स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। लेकिन क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए बॉडी के अंदर और एक स्पीड होना चाहिए जिससे कि वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी की बात देखिए, समझिएगा सॉरी, ये तो क्या हुआ, फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, टेम्परेचर की, किसके होते हैं, टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट ये हो गया। अब इसी में क्या है कि अगर आपको टेम्परेचर बताना है किसका, सब्सटेंस का, अगर किसी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर आपको क्या करना है, मेजर करना है, तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे तो वो किसके बराबर होता है, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस की। इस चीज़ को ध्यान समझिएगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आप फाइंड करेंगे किसकी, जो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे वो किसके बराबर होगी, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो किस में आएगा, सेकंड पोस्टुलेट में। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, जो मॉलिक्यूल होते हैं सब्सटेंस के, वो क्या करते हैं, एक उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोला जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसके बाद देखिएगा, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक स्पेस रहता है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो इनके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्या होता है, जो फोर्स होता है किसके,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरमोलिकुलर स्पेस के। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर स्पेस के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्यों, अगर आप क्या कर रहे हैं, स्पेस बढ़ा रहे हैं, अगर आपने क्या है इंटरमोलिकुलर स्पेस को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने स्पेस क्या कर दिया, कम कर दिया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, स्पेस कम किया, ये पास में आ जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, इसमें मैक्सिमम लगेगा। तो ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, ये सारे जो फोर्थ थे क्या थे, पोस्टुलेट थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इनको। अब देखिएगा, तो ये तो हो गया मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में जो पोस्टुलेट थे। अब इसके बाद क्या है कि कुछ और चीज़ें, अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में क्या है, ये एक्सप्लेन करता है क्या है? और एक्सप्लेन करता है स्टेट ऑफ मैटर, कि जो आपने देखा है थ्री स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है उनको भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, क्या रहता है, किस तरह से इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, वो कौन एक्सप्लेन करता है, काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। और साथ में क्या है कि स्टेट चेंज होती हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, फिर अगेन आप चेंज कर रहे हो कि गैस से लिक्विड में आ रहा है या फिर लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, तो वो किससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट जो न्यू जो टॉपिक है आपका, जो न्यू पॉइंट है, इसको समझिएगा कि स्टेट ऑफ मैटर, अगर किसी मैटर की हमको स्टेट पता करनी है किसके बेसिस पर, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर, तो किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको ध्यान से, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो हमारा मैटर की काइनेटिक थ्योरी है, उसके बेसिस पे ही हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, इसकी जो स्टेट है उनके बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है इसकी स्टेट के बारे में समझिएगा कि कुछ फैक्टर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि क्या स्टेट है जो मैटर की है, क्या स्टेट है, जैसे कि हमारा हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा हो गया इंटरमोलिकुलर स्पेस, और थर्ड वन हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनसे हम डिसाइड कर सकते हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो मैटर है किस स्टेट में है। जैसे कि अगर मान लो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करें, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये क्या करता है, पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, पार्टिकल को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स के पास आ जाती है तो क्या होता रहता है, उनका कॉन्स्टेंटली मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। और मोशन होने का मतलब क्या है कि वो दूर जाना चाह रहे हैं, किससे, एक पार्टिकल से, जो उनकी बॉन्डिंग है उससे वो क्या जाना चाह रहे हैं, वो दूर जाना चाह रहे हैं, किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो ये अब क्या है कि जो मैटर की जो एग्जिस्टेंस है, कि सॉलिड में है, लिक्विड में, गैसेस में, तो हम मेनली दो जो इनका कॉम्बिनेशन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसको हम क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर बनाए इस चीज़ को, और देखिएगा कि मॉलिक्यूल है ना, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो क्या स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। और क्या है कि इन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स वर्क कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं उसको क्लियरली। तो अब देखिएगा, अब क्या है कि डिफरेंट स्टेट के बारे में हम पता करना है, किसके बेसिस पे, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस। देखिएगा तो फर्स्ट केस में क्या है, अगर कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, तो अगर क्या है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे भी आपने देखा है, स्पेस कम होगा तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्पेस क्या है, कम है, फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, स्ट्रांग है, और उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है पर्याप्त नहीं है, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, जिससे कि वो क्या कर सकें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं होती है, तो इस कंडीशन पे जो मैटर होगा, जो आपने सब्सटेंस लिया है वो क्या होगा, उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड स्टेट होगी। तो इस बात को समझिएगा ध्यान से, अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसका क्या है, जो स्पेस इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी इतनी नहीं है जिससे कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करके वो कहीं मूव कर सकें, जा सकें, तो उस स्टेट पर, उस सब्सटेंस को बोलते हैं सॉलिड स्टेट।
क्या बोलते हैं, वो सब्सटेंस किस में है, सॉलिड स्टेट में, किस में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट जो केस है उसके बारे में बात करते हैं। अगर क्या है, कोई ऐसा एक सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस में क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, ज़्यादा है। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है लेकिन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना, मतलब एनफ है, इतना कम भी नहीं है, क्या है, इतना एनफ है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं आपस में। ठीक है, सब्सटेंस के अंदर क्या होल्ड कर सकते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सफिशियंट है जिससे कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं लेकिन सफिशियंट है जिससे कि ओवरकम कर सकते हैं किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो उस केस पर जो सब्सटेंस की जो एग्जिस्टेंस होती है वो क्या होता है, किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ये भी है। अब इसके बाद बात करते हैं केस नंबर थर्ड। थर्ड केस में क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस है उसका जो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है क्या, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी दूर तक है, वो काफ़ी दूर है, दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मतलब काफ़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और साथ में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है, मीन्स ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। तो उस कंडीशन पर क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, बहुत ज़्यादा है, इतनी है कि वो कम्प्लीटली ओवरकम कर सकती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ना के बराबर, बिल्कुल है ही नहीं। और क्या, जो काइनेटिक एनर्जी है इस इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर सकती है, 100% कम्प्लीटली ओवरकम कर सकती है। और क्या कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूल है फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस केस पे जो सब्सटेंस की जो एग्जिस्टेंस है वो किस में रहेगी, गैसियस फॉर्म में या गैसियस स्टेट में रहेगा वो सब्सटेंस। तो ये तो था स्टेट के बारे में कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो ये तो था, इस तरह से आप प्रॉपर्टी, आप जो इनकी प्रॉपर्टी वो समझ सकते हैं। तो ये, अब इसके बाद बात करते हैं एक एक करके जो प्रॉपर्टी निकल के आई है, इसी के बेसिस पे जो प्रॉपर्टी निकल के आई है डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझिएगा। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, अभी आपने काइनेटिक थ्योरी के बारे में सुना है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बर्नौली, है ना, डेनियल बर्नौली। तो बर्नौली, इनका जो टाइम पीरियड है, जो जन्म है 1782 के आसपास ही इनका जन्म हुआ था। ये रहे एक कौन थे, देखिएगा, एक मैथमेटिशियन से, एक मैथमेटिशियन थे और फिजिशियंस थे। ठीक है, तो ये काफ़ी क्या था, इनकी एक थ्योरी थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको आप नोटिस करिएगा और बाकी कुछ नहीं है। देखिएगा, एक इनकी जो बुक थी, इन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस किया था अपनी बुक में, हाइड्रोडायनेमिका। क्या, कौन सी बुक है, हाइड्रोडायनेमिका। तो हाइड्रोडायनेमिका अपनी बुक में इन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या बोला था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, और जिस कंटेनर में रखे हुए हैं उस पर क्या प्रेशर लगाते हैं। तो इनकी बात किसी ने मानी नहीं उस टाइम, जो उनके साथ के जो साइंटिस्ट थे, किसी ने बात इनकी मानी नहीं। तो फिर ये बाद में क्या हुआ, बिल्कुल प्रूफ हुआ, साइंटिफिकली ये प्रूफ हो गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं, इसलिए आप इनको चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा कि डेनियल बर्नौली के बारे में इसमें दे रखा है, इसलिए मैंने आपको साइड में ये एक्सटर्नल जो पॉइंट है वो बता दिया, आप इसको पढ़िएगा अगर आपकी बुक में दे रखा है। इतना ही आप पर्याप्त है, याद रखिएगा कि इनकी जो बुक थी हाइड्रोडायनेमिका, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, 1732 में कॉन्सेप्ट दिया था, अपनी बुक में लिखा था इसके बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में, गैसेस के बारे में दिया था इन्होंने। अब जो हम लोग काइनेटिक थ्योरी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी लिक्विड गैस तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड की बात करेंगे, तो सॉलिड क्या है, जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड में क्लोजली क्या होते हैं, वेरी टाइटली पैक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। टाइटली पैक होने की वजह से जो स्पेस होता है इनके बीच का स्पेस क्या रहता है, काफ़ी कम रहता है, और कम रहता है स्पेस, कम रहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के अंदर क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान समझिएगा, क्या होते हैं मॉलिक्यूल, क्लोजली वेरी टाइटली पैक रहते हैं। क्या रहते हैं, टाइट पैक रहते हैं, और इसी के साथ जब टाइट पैक रहेंगे तो जो स्पेस होगा इनके बीच का क्या रहेगा, बहुत कम होगा। जब स्पेस कम होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रांग रहता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड में देखिए, इनके पास क्या होता है, स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं, जिस पोजीशन पे हैं वहाँ से मूव नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से इसके पास क्या रहता है, डेफिनेट शेप रहता है। क्या रहता है? डेफिनेट शेप रहता है। डेफिनेट शेप के साथ साथ एक आप क्या रहते हैं, ये रिजिड रहते हैं, हार्ड रहते हैं, और वॉल्यूम भी इनका क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये हो जाती है। किस वजह से ये सारी चीज़ें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है इस वजह से। और साथ में क्या है, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड में क्या है, जो स्पेस है इनके बीच का स्पेस क्या रहता है, काफ़ी कम रहता है। ये समझो बिल्कुल सटी हुई, एक दूसरे चिपकी हुई रहती है, इस तरह से बिल्कुल स्पेस है ही नहीं। जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, अरेंजमेंट बना हुआ है किसका, मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड के अंदर। अब इनके बीच में जब स्पेस ही नहीं है, बहुत कम स्पेस है, क्या है, बहुत कम स्पेस है, तो अब इनको और क्या कंप्रेस करो, एक दूसरे टच कर रहे हैं, कैसे कंप्रेस कर सकते हो, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं है। जैसे एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, तो कितना कंप्रेस करोगे, नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, इजीली इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। किस वजह से, क्योंकि स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या रहता है, बहुत कम रहता है। तो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो इस वजह से जो इनका जो मॉलिक्यूल्स है वो स्लाइड नहीं कर पाते एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, ज्यादा रहता है, इस वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या, स्लाइड नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये जो सॉलिड होते हैं फ्लो नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं। इसके साथ देखिएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से ये जब इसको गर्म करो, हीट करो, तो एक्सपेंड जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब ये पॉइंट समझ गए, एक्सपेंड क्या है कि कहीं कहीं बुक में दे रखा होता है कि जो सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड हैं, एक्सपेंड बिल्कुल नहीं कर, एक्सपेंड नहीं करते हैं। मीन्स क्या है, कोई भी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मैटर है, अगर जैसे आप हीटअप करेंगे तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। अगर कूल डाउन करेंगे, उसे क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें। कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिएगा कि जैसे मान लो रोड है ना, रोड पे आपने देखा होगा, कभी आप गौर करिएगा, रोड पे देखा होगा या ब्रिज वगैरह में देखा होगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं बीच में, हल्का सा स्पेस छोड़ देते हैं, इस तरह से स्पेस छोड़ते हैं, और वहाँ पर कुछ थर्माकोल वगैरह फिल कर देते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों में, तो क्या होता है, रोड भी हल्का सा क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और सर्दियों में क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इस तरह से। तो ये सॉलिड के अंदर है, कभी भी कहीं लिखा हो कि सॉलिड एक्सपेंड नहीं होते हैं, हाँ बहुत कम होते हैं, वो दिखता नहीं है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हीट बहुत ज़्यादा हीटअप करना चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत वो माइनर एक्सपेंड होंगी। लेकिन अगर मान लो कि ब्रिज वगैरह बनाए, तो अगर ये एक्सपेंड मान लो हो गए, एक्सपेंशन हो गया थोड़ा बहुत भी, एक क्रैक्स वगैरह आ गया, मतलब एक एक हेयर लाइक एक बाल की तरह का क्रैक आ गया, तो कितना आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अगर कोई उसके नीचे आ गया, कितना कितना ये समझो कितना नुकसान हो सकता है। तो ये समझिए कि जो सॉलिड होते हैं, अगर थोड़ा बहुत हीट कर रही है, नहीं कि आपने गर्म कर दिया भाई एक्सपेंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो इसलिए एक्सपेंड जो होते हैं, एक्सपेंशन होता है इनमें, बहुत कम होता है जब आप हीट करते हैं, लेकिन होता है, ये मत सोचिएगा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं। ये कंप्लीट हो गई प्रॉपर्टी सॉलिड की, सॉलिड की प्रॉपर्टी थी सारी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में, लूजली पैक्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं? लूजली पैक्ड रहते हैं। लूजली पैक होने के साथ इसलिए क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में क्या रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे इस तरह से देखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सॉलिड, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, इसको देखिएगा क्या है कि लूजली पैक्ड रहते हैं, और जो स्पेस रहता है थोड़ा सा इनमें ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब स्पेस ज़्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये सारे जो पॉइंट है याद रखिएगा, सबसे पहले क्या है, लूजली पैक्ड रहते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहता है, कम रहता है। क्यों? क्योंकि रीजन है इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये पॉइंट हो गया। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा, एक एक पॉइंट करके इनको समझिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। तो देखिएगा, जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स कम रख रहा है। एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, तो एक इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या है कि ये अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इस वजह से जो लिक्विड होते हैं, जो सारे लिक्विड होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अब क्या है कि इनके अंदर कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता, इनका जो शेप है, शेप कोई भी डेफिनेट नहीं रहता है। जैसे कि
अगर आपने कोई भी कंटेनर लिया, कोई भी कंटेनर लिया उसमें डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, उसी की शेप को क्या कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर शेप है, इनकी जो डेफिनेट शेप नहीं रहती, किस वजह से रहती है, क्योंकि ये फ्लो करते रहते हैं, इस वजह से इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं रहती है। जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप वो क्या कर लेंगे, उसी शेप ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने एक सिलेंडर में डाल दिया, है ना, एक क्यूबॉइड में डाल दिया, या फिर आपने एक कोन में डाल दिया, है ना, कोन लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी, उसमें आपने एक स्फीयर में फिल्ड कर दिया, तो जिस चीज़ में आप फिल्ड करेंगे उसका वो क्या है, उसकी जो शेप है उसको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा कि इसका क्या है, डेफिनेट शेप, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं रहती, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बावजूद इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं रहती है, लेकिन क्या रहता है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं रहती है, लेकिन इसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों रहता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या है, बिल्कुल है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल है ही नहीं, है थोड़ा बहुत है, वीक है एज कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन क्या है कि इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो एग्जिस्ट करता है इसमें, इसको बोलते हैं सबटेंशियल इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या है, सबटेंशियल इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में, क्या आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, तो इस वजह से इनके पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्या रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर। तो क्या है कि जो स्पेस है, स्पेस क्या है, सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा रहता है। इस वजह से मान लो ये दूर दूर है, अब तो इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं बिल्कुल। जब पास में थे सॉलिड में कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो ये क्या कर सकते हैं, जो लिक्विड है उनको हम क्या कर सकते हैं, स्लाइटली कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हीट करने के बाद सॉलिड तो क्या था, सॉलिड में क्या था, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स था, लेकिन इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, वीक है। इस वजह से अगर हम इनको हीट करेंगे, अगर हम हीट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड हमारे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, मोर देन एक्सपेंड, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, वीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है, ये किसकी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी की बात करेंगे गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। देखिएगा, देखिए इसका जो एक लेक्चर और भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर देखना है, और भी लेक्चर देखना है, तो इसके मैटर के लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, तो आप उनको देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सर्च करिएगा, तो वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप स्टडी कर सकते हो। उनमें थोड़ा सा मैं जल्दी नहीं एक्सप्लेन करवाया, इसमें थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा, तो ज़रूर लगभग एक घंटे के आसपास रहेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ना हो, है ना, जैसे कि आप जल्दी भी पढ़ सको और चीज़ों को रिवाइज भी कर सको। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस। तो कुछ प्रॉपर्टीज गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं कि जो स्पेस होता है, जो स्पेस रहता है गैसेस में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड की गैस में बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, अरेंजमेंट बना हुआ है, किसका मॉलिक्यूल का, सॉलिड किसमें, गैस में बना हुआ है। तो सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करेंगे तो स्पेस क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेस ज़्यादा रहने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या रहता है, ना के बराबर रहता है, क्या रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, स्पेस ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, ना कि बराबर रहता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, और साथ में जिस कंटेनर में आपने डाल दिया, किसी भी कंटेनर में आपने डाल दिया, तो उसकी पूरी की पूरी शेप को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस वजह से ना तो इनका कोई भी डेफिनेट शेप रहता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना ही कोई का डेफिनेट शेप रहता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्पेस है उसको क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये पॉइंट हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से दूर दूर, आप तो पार्टिकल दूर हैं, आप तो इनको कंप्रेस कर सकते हो ना, इधर काफ़ी दूर दूर तक हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हाईली एक्सटेंड तक इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस क्या कर सकते हैं, हाईली एक्सटेंड तक, ग्रेट एक्सटेंड तक क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है गैसेज हाईली कंप्रेसिबल, क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। तो ये हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की। तो देखिएगा सॉरी प्रॉपर्टी नंबर फोर, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है गैस में, क्या रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, बिल्कुल ना के बराबर रहता है। इसलिए ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लो भी कर सकते हैं, इजीली ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर फाइव की बात करते हैं। तो क्या है,
जैसे ही अगर आपने क्या किया, इसको हीट किया, अगर गैस को आपने हीट किया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत कम है, पहले ही से कम है, आपने हीट और कर दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज कर दी, तो जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, और ज़्यादा भागना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ये क्या होते हैं, गैसेज जो होती है ईजिली, अगर जैसे आपने हीट कर दिया तो तुरंत एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देती है ना। तो क्या करती है, जैसे आपने थोड़ा सा हीट किया, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देती है। अब इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट जो बर्नौली साहब ने बताया था कि क्या बताया था, अगर हम मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, फ्री टू मूव, कहीं भी घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एना के बराबर है, तो मूव करने की वजह से आपस में क्या करते रहते हैं, कोलिजन होता रहता है उनके बीच में, टकराते रहते हैं। और अगर जिस कंटेनर में आपने भर दिया, जिस कंटेनर में आपने रख दिया, तो उसकी जो जो वाल्स है उसमें भी क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। इस वजह से जिस कंटेनर में आपने रखा है, तो उस बाल पर क्या अप्लाई करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, किसकी, उस बाल पर जो कंटेनर में जिसमें आपने फिल्ड किया उसकी वाल पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये बात किसने बोली थी, बर्नौली साहब ने अपनी बुक में थर्मोडायनेमा में क्या बोला था, यही इस बात को बोला था कि भाई ये फ्रीली मूव करते हैं और कोलिजन करते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, जो कंटेनर है उसकी वाल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, लेकिन हम लोग सबके लिए पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अब देखिएगा, अगर ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर नहीं हो तो एक दो बार और रिपीट करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टी। हाँ, इसके बाद देखिएगा, आपको पूरा का पूरा जो पेशेंस है वो बना के रखना है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिएगा, बात करते हैं अब इसके बाद, कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। तो कंपैरिजन की बात करेंगे तो वही चीज़ें, वो सारी जो आपने ऊपर पढ़ी हैं, कि अगर सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में क्या है, शेप की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे या फ्लूडिटी की बात करेंगे, तो सॉलिड में बात करेंगे क्या होता है, इसका डेफिनेट शेप रहता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी रहता है, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये फ्लो भी नहीं कर सकते, फ्लो नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, सारी चीज़ें वही हैं। एक बार यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड क्या, कोई भी शेप नहीं रहता है, लेकिन वॉल्यूम रहता है इसका। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहता है, शेप कोई भी नहीं रहता है, जिस कंटेनर में जिसमें आपने कैप्ट कर दिया, जिस कंटेनर में आपने रख दिया, तो उसी के शेप को क्या कर लेते हैं, ये उसी के शेप को टेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं रहता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों रहता है, सब टेंशियल इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, सॉरी। और क्या रहता है, थोड़ा सा स्पेस रहता है इनकी, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से इनको स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं और फ्लो भी कर सकते हैं, ये भी हो गया। इसके बाद गैस की बात करते हैं, ना तो गैस के पास क्या रहता है, ना कोई डेफिनेट शेप रहता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। जिसमें जिस चीज़ में आपने कंटेनर में रखा, तो उसका पूरा का पूरा शेप को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है, और साथ में ये फ्लो कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। ये तो देखिए, आपने किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो ये सारे जो कंपैरिजन है, प्रॉपर्टी है, सारी इंपॉर्टेंट है, किसके बेसिस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे। ठीक है, ये हो जाता। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बात करते हैं एडिशन एंड कोहिजन। तो एडिशन एंड कोहिजन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो है फोर्स ऑफ कोहिजन और दूसरा है फोर्स ऑफ एडिशन। तो इनको कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है दो तरह का है। अगर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही तरह के हैं, तो मीन्स क्या है, सब्सटेंस के अंदर क्या रहते हैं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स रखता है उसको बोलते हैं कोहिजन। क्या बोलते हैं, कोहिजन, क्या बोलते हैं, कोहिजन बोलते हैं। तो जैसे कि अगर सॉलिड की बात करेंगे, तो सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, स्ट्रांग रहता है। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, गैसेज में कम रहता है, और लिक्विड में भी कम रहता है। तो इसके बेसिस पर जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, अपने एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, बॉन्ड बना के रखते हैं, किस फोर्स की वजह से, कोहिजन फोर्स की वजह से। जैसे कि अगर एग्जांपल एक समझें, तो ये देखिए ध्यान समझिए, फोर्स ऑफ कोहिजन क्या है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सेम काइंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स जो वर्क करता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहिजन। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा,
अगर सेम सब्सटेंस है, जैसे सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर ही काम करता है, क्या है सब्सटेंस के अंदर ही, क्या है सेम टाइप को मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसलिए जो कोहिजन है क्या करता है सब्सटेंस के अंदर ही वर्क करता है, सब्सटेंस के अंदर ही होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, क्या है वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं किसकी वजह से आती हैं, कोहिजन फोर्स की वजह से, क्यों, क्योंकि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम टाइप के, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बात है। अब इसमें बात करते हैं कि जो फोर्स ऑफ एडिशन, तो फोर्स ऑफ एडिशन क्या होता है, फोर्स ऑफ एडिशन क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में रखता है। अब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कहाँ से आएंगे कि डिफरेंट आपके पास क्या होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल समझना, ध्यान समझना, अगर हमने एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें क्या कर दिया, इसमें वाटर फिल कर दिया, आपने पानी फिल कर दिया, तो जो वाटर के अंदर जो फोर्स लग रहा है, जो वाटर के अंदर फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहिजन। क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोहिजन, क्यों, सब्सटेंस है, सेम टाइप के उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो वाटर के अंदर फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहिजन। ये हो गया। अब वाटर और जो गिलास, जो गिलास का सरफेस है, जो वाटर के मॉलिक्यूल और गिलास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ एडिशन। क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ एडिशन, क्यों, ये लगता है डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में। ठीक है, ये हो गया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ अगर मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ कोहिजन, सॉरी फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, फोर्स ऑफ एडिशन, तो ध्यान रखिएगा फोर्स ऑफ एडिशन। अब कुछ और एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट है, अगर कोई एक वाटर ड्रॉपलेट है वो कहीं पे चिपकी हुई है, किस पे, अगर जैसे ग्लास, ग्लास टम्बलर है उस पे चिपकी हुई है, तो वो किसकी वजह से है, ग्लास टम्बलर वो किसकी वजह से, फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से। अगर जैसे ग्लू वगैरह स्टिक करते हैं, अगर कोई स्ट्राइकिंग एजेंट उस पे अगर लगा देते हैं, तो वो किसकी वजह से, वो एक दूसरे में जो होल्ड करके रखती है किसकी वजह से, फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गए सारे, एडिशन एंड कोहिजन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा ध्यान से, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार आप एक दो बार इसको और रिपीट करके देखिएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एंड द स्टेट ऑफ एंड द चेंज ऑफ स्टेट। देखो इसमें दो तीन चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि जो अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रॉपर्टी को डिफरेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे, और अगर इसको अब स्टेट है, जो स्टेट है कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, कोई भी अगर हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो रही है, कि पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, गैस से फिर किस में आ सकता है, लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड से फिर किस में, सॉलिड में जा सकता है, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा सकता है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्टेट चेंज हो रही हैं इनकी, है ना, जो स्टेट चेंज हो रही हैं, जो जो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो ये किसकी बेसिस पर, हम काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पर समझेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, समझिएगा एक एक चीज़ को, ये कैसे होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर मॉलिक्यूल की कोई स्टेट है किस तरह से चेंज होती है, तो जैसे अगर मॉलिक्यूल्स है उसने क्या किया, हीट को गेन किया, अगर आपने क्या कर दिया उसको हीट दे दिया, तो हीट अगर जैसे ही गेन करेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, हीट उसको मिल गई, तो क्या करने लगते हैं, स्पीड में मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पीड में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, किस वजह से, आपने जब उनको हीट देंगे, हीट मिलेगी तो ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या है, अब जैसे दूर दूर भागना स्टार्ट हुए, अब इनकी हीट ले लो, अगर इनकी जो हीट आपने जो दी थी हीट एनर्जी, अब आपने क्या किया, हीट एनर्जी को क्या किया, आपने ले लिया, जब हीट एनर्जी ये इनकी ले लेंगे, या बोल देंगे जो हीट एनर्जी इन्होंने क्या कर दी, लूज कर दी, तो क्या हो जाएंगे, अभी कूल डाउन होके पास में आना स्टार्ट हो जाएंगे और एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, क्या करते हैं मॉलिक्यूल, या तो हीट अप हो जाएंगे, इनको हीट एनर्जी मिल जाएगी, अगर हीट एनर्जी मिलेगी तो एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर एनर्जी क्या हुआ, इन्होंने लूज कर दी, तो क्या हो जाएंगे, आपस में ये पास आना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, जैसे कि मेल्टिंग वगैरह हो गया, या हमारा बॉइलिंग हो गया, या फ्रीजिंग हो गया, या फिर एवापोरेशन हो गया, या कंडेंसेशन हो गया, ये सारी जो स्टेट्स वगैरह हैं किस तरह से चेंज होती हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिएगा इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हीट करने के बाद किस तरह से चेंज हो रहा है, कि पहले क्या था, सॉलिड था, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स थे पास पास थे, जैसे आपने हीट किया तो इनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, एक्टिव हो गए मॉलिक्यूल्स, और एक्टिव होने के बाद क्या करने लगे, ये भागना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, भागना स्टार्ट किए, दूर दूर हो गए, जब थोड़ा सा दूर हुए तो किस स्टेट में चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चले गए। अब फिर से आपने क्या किया, इनको और हीट किया, और आपने एनर्जी इनको बढ़ा दी, काइनेटिक जो एनर्जी हीट एनर्जी है आपने क्या और इंक्रीज कर दी इनकी, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी और बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी इन्होंने और गेन की, और ज़्यादा एक्टिव हो गए,
और जो एक्टिव होने के भी, देखिए एक्टिव जब होते हैं, एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, जैसे हीट किया जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको क्या कर देते हैं, ओवरकम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। फिर ये लिक्विड से किस में चेंज हो गए? गैसेज में चेंज हो गए। अब वाइस वर्सा अगर उल्टा कर देंगे आप, इनकी जो एनर्जी है हीट एनर्जी उसको लॉस कर देंगे, लूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गैस से लिक्विड में आएंगे और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब है। अब इसके बाद देखिएगा और चीज़ें समझिएगा। अब जो मेन जो प्रोसेस है कि किस तरह से हमारी स्टेट चेंज होती हैं काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर, हम समझेंगे एक करके, ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम मेल्टिंग की, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल्टिंग की, तो एक एक करके समझिएगा ध्यान से। देखिएगा अगर मेल्टिंग में क्या मेल्टिंग में क्या है कि सॉलिड है, सॉलिड को क्या किया आपने, हीट अप कर दिया, हीट करना स्टार्ट किया, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, उनको जो एनर्जी है वो गेन कर लेते हैं, एनर्जी गेन की एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ओवरकम करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइब्रेट करने के साथ साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मूव करते हैं जैसे, तो इनका जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, इनका जो हीट है वो कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही जो एनर्जी है, जो आप हीट एनर्जी इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, इनका जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्पेस इंक्रीज होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, किसमें, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर फर्दर आप हीट करेंगे, फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा ये सॉलिड से किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप हीट क्या करते करते चले जाएंगे, हीट बढ़ाते चले जाएंगे, या आप इसको हीट करते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिमेन, एक जो टेम्परेचर हमारा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा उस केस पे, जो हमारी पूरा का पूरा सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये है। अब क्या है कि इसको समझिएगा ध्यान से, देखिएगा इसमें क्या है कि जो टेम्परेचर है, जो फिक्स टेम्परेचर है, जैसे कि अगर हम बात कर देंगे मेल्टिंग की, देखिएगा कि प्रोसेस है, इसमें एक प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन सॉलिड टू इंटू द लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है किस पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड का किस में, लिक्विड में, देखो जो प्रोसेस थी सारी मैंने किस तरह से आपको समझाया है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पर हो रहा है उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हमारा जो बटर होता है, बटर हमारा किस में कन्वर्ट होगा, बटर सॉरी सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड में क्या, आइस, आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आइस है, आइस क्या है, 0 डिग्री पे आइस रहता है, वो 0 डिग्री पे ही क्या, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है, वो क्या है, एक मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जैसे आपने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में है, ये फ्यूजन में या फिर मेल्टिंग में। अब इसके बाद देखिएगा फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग समझिएगा ध्यान से। फ्रीजिंग में क्या है, तो फ्रीजिंग में क्या होता है कि अब जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में। फ्रीजिंग में क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट है वो क्या हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें क्या होता है, अब लिक्विड से आप किस में जा रहे हो, फ्रीजिंग में क्या है, लिक्विड से आप किस में जा रहे हो, सॉलिड में जा रहे हो। तो लिक्विड में क्या है, अब क्या करेगा आप, अब आपको क्या करना है, जो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो क्या करना है, मॉलिक्यूल्स की लूज करनी है। तो इसमें एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है। तो मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवनेस है वो क्या हो जाती है, वो स्लो डाउन होते चले जाते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, ये क्या होते हैं, आपस में पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पास होने की वजह से ये जो स्पेस क्या है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिएगा जो प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ये प्रोसेस क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, जिसमें कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट, जो कन्वर्जन है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग एंड या सॉलिडिफिकेशन। जिस टेम्परेचर पर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो कन्वर्जन होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पे कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग। किसमें, ऑन कूलिंग, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, कूलिंग,
ये वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब है। इसके बाद बात करते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग भी समझिएगा ध्यान से, बॉइलिंग में क्या है, क्या होती है इसमें, बॉइलिंग में क्या रहता है, जो देखिएगा ध्यान से, बॉइलिंग में क्या है, लिक्विड है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है या स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, आपने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, कैसे, आपने हीट अप करते चले जा रहे हैं लिक्विड को, क्या कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं, हीट करते चले जा रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं फास्ट मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, फास्ट मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, उनका स्पेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, कौन सा, इंटर मॉलिक्यूल स्पेस इंक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करने लगते हैं, स्पेस, वो क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं, एस्केप करने लगते हैं, किसका, जो एक स्पेस में क्या करने लगते हैं, एस्केप करना स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी, लिक्विड के। तो इस तरह से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, किस पर, एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उस पर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो एक दो बार और रिपीट करिएगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको एक बार में, क्योंकि बार बार और रिपीट नहीं कर सकता मैं, इसलिए आपको नहीं क्लियर है तो आप एक दो बार और देखिएगा और समझिएगा चीज़ों को ध्यान से। तो जिस टेम्परेचर पर, जिस फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है, ये चेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि जो बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन जो प्रोसेस है, जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रही है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अगर वाटर एक स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस पे, वाटर का जो, जब हीट कर रहे हैं आप, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो किस टेम्परेचर पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये, अब इसके बाद बात करते हैं एवोपोरेशन। एवोपोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एवोपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फेनोमेना है। क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है। तो इसमें क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले क्या होता है, जैसे आप हीट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, आप क्या करते चले जा रहे हैं, हीट करते चले जा रहे हैं, है ना, मीन्स क्या, आप सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, हीट हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो बीस, मैंने क्या बताया था आपको कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक टर्म बताया था आपको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उससे आप क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो आप हीट करना स्टार्ट किया, इनिशियली आपने जैसे हीट करना स्टार्ट किया, तो जैसे एक सब्सटेंस है, मान लो इस तरह से एक कंटेनर में भरा हुआ है, आपने यहाँ पर भरा है, आपने हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट कर रहे हैं, तो हीट करते करते क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो इनिशियल जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तेज़ी से बढ़ जाती है ना, सारे पार्टिकल तो होते नहीं है, मान लो कुछ यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ आपने यहाँ पर बर्नर लगा रखा, तो यहाँ के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वो जल्दी हीट अप हो जाएंगी, है ना, तो जल्दी क्या हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएंगी, जल्दी हीट हीट काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, जल्दी हायर हो जाएगी ऊपर वाले, एज कम्पेयर टू ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हो गए या ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हायर हो जाती है, और कुछ की क्या रहती है, कम रहती है। जो अब जैसे जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है सारी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो ही रहा है, ठीक है, तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, वो क्या करते हैं, एस्केप करना स्टार्ट कर देते हैं, सरफेस से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे आ जाते हैं, जो लिक्विड है उसके सरफेस पे आएंगे और एस्केप करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है, उस सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर जाते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन। क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। तो ये जो प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेना रहती है, क्योंकि जो पार्टिकल एस्केप कर रहे हैं कहाँ, सरफेस से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए एवोपोरेशन क्या है, एक बार और समझिए इसको ध्यान से, कि यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, जो लिक्विड है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज होता है, एक जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले ही, है ना, किसी टेम्परेचर पर हो सकता है, ये कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो एवोपोरेशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, इस बात को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या सरफेस फेनोमेना है, जो मॉलिक्यूल से एक्सेप करते हैं, घास करते हैं, जो लिक्विड उसके सरफेस से भागना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, तो क्या है कि ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी टेम्परेचर पे जो वेपराइजेशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या है कि एटमोसफेयर में आपने देखा कि हमेशा वेपर रहती है, हमेशा वेपर जो एटमोसफेयर है उसमें हमेशा वेपर रहती है, वेपर रहती है, देखा है आपने, जैसे पानी की बोतल लेके आओ रख दिया आपने, तो चारों तरफ क्या हो जाता है,
पानी ऐसा लगता है पानी की बूंदें जम गई हैं, तो क्या है वो? वेपर है, क्योंकि एयर में क्या है? वेपर है। वो किस वजह से आ रही है? क्योंकि जो सन की हीट है, जो सन है, जो सन की हीट है, क्या जैसे ये रिवर है या वाटर बॉडीज़ हैं उनमें क्या पानी भरा हुआ है, तो उसको वो हीटअप करते रहते हैं और वो क्या हो जाती हैं, हीटअप होने की वजह से वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाते हैं। इस वजह से हमारा जो वेपर होता है वो एटमोसफेयर में वेपर प्रेजेंट रहता है। तो ये सब है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन में क्या है, तो कंडेंसेशन में क्या है कि जो जब हम किसी भी गैस को हम क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो कूल करने के बाद मीन्स क्या है, गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस आपकी किस में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो क्या है कि इसमें क्या है, जैसे हमने गैस को कूल डाउन करना किया, कि कूल डाउन का मतलब कि उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, लूज हो रही है, लॉस हो रही है, एनर्जी क्या हुई, लूज हुई, तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो है, पहले तो बहुत दूर दूर थे, आपने कूल डाउन किया तो पास में आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, पास में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पार्टिकल पास में आना स्टार्ट हो गए, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, स्पेस भी कम होता चला जा रहा है, तो इस केसेस पे, इस वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, इसमें क्या है, एक सर्टेन पॉइंट पर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब है। अगर जो प्रोसेस है, प्रोसेस की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, अगर गैस से पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर कोई भी वेपर है या फिर गैस है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉइंट। जैसे कि स्टीम है, स्टीम किस में, जब आप कूल कर रहे हैं तो स्टीम किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। वो स्टीम जो जब आप कूल कर रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका कंडेंसेशन पॉइंट रहता है। तो ये अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन देखिएगा, सब्लिमेशन में क्या है कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है, इसमें कि सब्लिमेशन प्रोसेस है, इसमें कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट रहता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़ी मतलब लो चांस रहता है, इसमें क्या है कि बहुत कम चांस, बिल्कुल होते ही नहीं है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं किस में कन्वर्ट हों, एक लिक्विड फॉर्म में जाएं। तो लिक्विड स्टेट आने से पहले, है ना, तो लिक्विड स्टेट आने से पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या है कि सॉलिड है, जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने हीट किया या कुछ अपने रूम टेम्परेचर पे ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या रहता है, जो प्रोसेस है इसमें, जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। कुछ एग्जांपल इसके समझिए, एग्जांपल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, एक तो होता है आयोडीन और दूसरा होता है ड्राई आइस, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और है एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, या कैम्फर हो गया, ठीक है, और एंथ्रेसीन हो गया, या फिर बेंजोइक हो गया, ये सारे एग्जांपल हैं। बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, एंथ्रेसीन हो गया, और बेंजोइक एसिड है, कैम्फर वगैरह है ना, और अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, सब ये सप्लीमेंट सब्सटेंस के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसमें क्या कुछ एग्जांपल हैं, कुछ जैसे कि अगर हम बात करेंगे, सब्लाइन हो जाते हैं कि रूम टेम्परेचर भी सब्लाइन होता हो जाते हैं, जैसे कि ड्राई आइस है ना, अगर आपने रख दिया रूम में तो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। और जैसे कि नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन सब्लाइन हो जाता है, ये भी रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। नेप्थलीन को हम बोलते हैं कि इसको मूद वाल्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कपड़ों में रखा जाता है, कपड़ों में रख दिया जाता है, देखा होगा गोल गोल आपकी होती हैं, है ना, वाइट कलर की, तो उनको नेप्थलीन होता है वो, तो कीड़े वगैरह ना आए इस चीज़ के लिए रखा जाता है। तो रूम टेम्परेचर पर आप देखोगे कुछ दिन बाद उनका साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि रूम टेम्परेचर पर ही सब्लाइन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो एग्जांपल थे सब्लिमेशन के थे। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट है, जो अभी आपने जो प्रोसेस पढ़ी है सारी, कि स्टेट में चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में जो चेंज हो रहा है, उसको एक एक्टिविटी और है, एक लास्ट एक्टिविटी है,
फर्स्ट एक्टिविटी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी है, उससे आप समझ सकते हो उसको। मैं बहुत थोड़ा सा स्पीड में बता दूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। तो देखिएगा इसमें क्या है कि आइस फिल कर रखा है एक कंटेनर में, और आइस के साथ साथ इसमें क्या है कि एक थर्मामीटर लगा रखा है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, गर्म किया। जैसे आपने थर्मामीटर इसमें डाला तो आपने क्या किया, इसको हीटअप किया। बाकी आप इसको जो पॉइंट स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बात समझा दे रहा हूँ। आपने हीट अप करना स्टार्ट किया तो जो थर्मामीटर था, इनिशियली जो टेम्परेचर था, आप 30 सेकंड तक इसका देखेंगे, जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे 30 सेकंड, हर 30 सेकंड में। तो आप इनिशियली देखेंगे जो टेम्परेचर था बिल्कुल कॉन्स्टेंट था, जब तक कि आइस पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, जब तक कि उसका जो टेम्परेचर था कितना था, जो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस था। जब तक कि पूरी की पूरी आइस किस में कन्वर्ट नहीं हो गई, वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, उस तक आप उसको चेक करते रहे, देखते रहे। तो ये है कि आइस पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, ये आइस जो एक्टिविटी है इसमें कन्वर्जन है, स्टेट का कन्वर्जन है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में जो कन्वर्जन है वो इसको डोमेस्टेट किया गया है। तो देखिएगा तो इसमें क्या है, पूरी की पूरी जो आइस है किस में कन्वर्ट नहीं हो गई, किस में, वाटर में, जब तक कन्वर्ट नहीं हो गई तो जो टेम्परेचर रहता है थर्मामीटर पर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, जो ऑब्जर्वेशंस है वही रहता है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि नोट, हर रिकॉर्डिंग जो थर्मामीटर की जो उसके प्लेस कर दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो हमेशा क्या रहती है, 0 डिग्री रहती है, जब तक कि पूरा का पूरा जो कंप्लीट कन्वर्सन नहीं है आइस का, किसमें, वाटर में ना हो जाए। तो इस तरह से ये था। इसके बाद क्या है, जब सेकंड ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड में कन्वर्ट जब कन्वर्ट हो जाता है तो क्या है कि जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अब कन्वर्जन किससे हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है। तो लिक्विड से जब गैस में जाता है वो एक फिक्स टेम्परेचर रहता है, कौन सा फिक्स टेम्परेचर रहता है, जब तक कि जो टेम्परेचर है उसका 100 डिग्री सेल्सियस तक थर्मामीटर का नहीं पहुंच जाता है, तो उसका जो गैस में कन्वर्जन है वो स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो सिंपल सी इसका जो एक्टिविटी है वो की गई यहाँ पर कि 100 डिग्री सेल्सियस तक जब तक नहीं पहुँचता है, एक फिक्स टेम्परेचर जो रिकॉर्ड जब तक नहीं होता है, ठीक है, तब हमारा जो वाटर है कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट होता है, इस जो स्टीम में है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये सब इसमें। तो जो वाटर है, जो लिक्विड है, लिक्विड का किस में पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद उसका कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये है, ये पीछे ही मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें कि जब तक अगर आइस है ना, आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट होता है, पूरा का पूरा मेल्ट होता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं। और क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट, जब तक कि बॉइलिंग स्टार्ट ना हो जाए, वो जो सर्टेन टेम्परेचर है कहाँ तक पहुँच जाता है, जैसे आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर राइज होता चला जा रहा है, तो बॉइलिंग जब स्टार्ट होगी, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो टेम्परेचर है वो ना पहुँच जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। क्लियर है, तो एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद और इसको देख लीजिएगा, काफ़ी इसमें इतना कुछ है नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद अब बात करते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर आप पढ़ते चले जा रहे हो, आपने 7th में पढ़ा होगा मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, वो नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो क्या है कि जो कंडक्शन होता है, तो कंडक्शन में जो हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है क्या, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या है, जो हीट ट्रांसफर होता है क्या होता है, एक्चुअल जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो नहीं होता है, मतलब विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वो क्या है कि मूवमेंट तो नहीं होता है, मतलब जो मीन पोजीशन पे वहाँ से मूवमेंट उनका नहीं होता है। जैसे कि आपने क्या किया, एक स्पून वगैरह लिया आपने, एक चम्मच लिया, उससे खाना वगैरह बनता है, जैसे खाना बन रहा है, तो वो क्या होता है, नीचे खाने की वजह से वो क्या हो जाती है, वहाँ पर गर्म हो जाती है, धीरे धीरे करके ऊपर भी उसकी उस गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे यहाँ पर स्पून लिया आपने, अच्छे से बनाता हूँ स्पून, देखिएगा इस तरह से आपने क्या स्पून बनाई है, खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये खाना रखा है, खाना क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, टच हो रहा है, तो यहाँ इस वाला पोर्शन जो क्या है, गर्म हो जाता है। अब इसकी हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होती है, यहाँ पर भी थोड़ी देर बाद गर्म फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, जैसे ही आपने यहाँ पर जो खाने से इसका कॉन्टैक्ट हुआ, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको हीट, जो हीट एनर्जी है वो क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। हीट एनर्जी क्या हुआ कि गेन किया, अब जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, उन्होंने हीट एनर्जी उन्होंने गेन की, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो गई, अब क्या, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, कहाँ पर, अपनी मेन पोजीशन पर, एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ क्या करना, मूव करना, मूव नहीं, वाइब्रेट करना, सॉरी माफ कीजिएगा,
मूव नहीं करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, अपनी जो मीन पोजिशन है वो वहाँ पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइब्रेट करेंगे, बगल में और मॉलिक्यूल लगा हुआ है, सॉलिड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में होते हैं, बगल में होते हैं, तो इससे टकराएगा, ये टकराएगा तो इसकी जो एनर्जी इस पर ट्रांसफर होगी, इसकी एनर्जी इस पर ट्रांसफर होगी, इसकी एनर्जी इसकी ट्रांसफर होगी, ये जब तक होता रहेगा जब तक कि पूरी स्पून में जो उसका जो जो टेम्परेचर है वो क्या ना हो जाए, वो कांस्टेंट ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि जो टेम्परेचर है पूरा का पूरा सेम ना हो जाए, जब तक कि जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो सॉलिड में होता चला जाएगा, होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मीन पोजिशन से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेट कर रहे हैं वो सेम एनर्जी के साथ वाइब्रेट करते हैं और सेम एम्पलीट्यूड के साथ हमेशा क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहें, जब तक कि पूरा का पूरा टेम्परेचर पूरे होल जो बॉडी का वो सब तक सेम ना हो जाए। तो ये तो है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है कि कंडक्शन में जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जो हीट है, हीट और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन में क्या है, कन्वेक्शन ऑफ द हीट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर। तो कन्वेक्शन में क्या है, कन्वेक्शन अगर हम बात करेंगे किसकी, लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी कम रहता है, तो कम रहता है इसलिए जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स अगर थोड़ी सी इनको एनर्जी दे दो तो क्या कर जाएंगे, ये भागना स्टार्ट कर जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वैसे भी वीक है। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स का है एक्चुअल मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, तो पार्टिकल का क्या रहता है, एक्चुअल मूवमेंट होता है, तब जाके हमारी हीट ट्रांसफर होती है, जब जाके हमारी हीट ट्रांसफर होती है, किस तरह से रहता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है कहाँ से, हायर टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, और लोअर टेम्परेचर की तरह, आपने पढ़ा होगा ये 7th क्लास में पढ़ा होगा, कैसे अगर हीट आपकी ट्रांसफर हो रही कहाँ होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, कहाँ से, हाई टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर हाई है फिर लो टेम्परेचर की तरफ क्या होती है, हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये देखिए, और इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, हाँ देखिएगा कि जैसे कि अगर कोई फ्लूड है, देखिए फ्लूड के अंदर क्या आता है, समझिएगा ध्यान से, फ्लूड दे रखा है, फ्लूड के अंदर क्या आते हैं, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूड के अंदर आते हैं, तो फ्लूड क्या है, लिक्विड और गैस दोनों ही हमारे क्या है, फ्लूड्स हैं। तो आपने मान लो लिक्विड फिल कर रखा है, यहाँ पर आपने एक फ्लूड फिल कर रखा आपने, और इसको हीटअप करना स्टार्ट किया, आपने एनर्जी देना स्टार्ट किया, गर्म करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आप मान लो एक बर्नर लगा रखा है, गर्म कर रहे हैं, तो जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, जल्दी गर्म होंगे, उनके पास क्या एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, वो गर्म जल्दी हो जाएंगे, वार्म हो जाएंगे, तो वार्म होने के साथ साथ जैसी एनर्जी आएगी भागना स्टार्ट कर देंगे, क्या ऊपर की तरफ राइस होना स्टार्ट कर देंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे ऊपर जाएंगे अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गिर जाएगा, तो जो ऊपर वाले ठंडे पार्टिकल्स हैं, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, कौन से पार्टिकल, ऊपर कोल्ड वाले हैं, ऊपर क्या है, कोल्ड पार्टिकल है, और नीचे क्या है, वार्म पार्टिकल है, ठीक है, तो क्या है, ऊपर वाले नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे आपने हीट किया तो नीचे वाले ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से क्या एक करंट सेटअप हो जाता है, क्या हो जाता है, ये करंट सेटअप हो जाता है, इस तरह से इनका मूवमेंट कंटिन्यूसली होता रहता है, क्या होता रहता है, इस तरह से इनका मूवमेंट कंटिन्यूसली होता रहता है, इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है, कन्वेक्शनल करंट, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट, मींस क्या है, जो हॉट पार्टिकल्स हैं, जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जो कोल्ड मॉलिक्यूल हैं कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इस तरह से इनका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है, तो ये साइक्लिक आप बोल सकते हो, साइक्लिक मूवमेंट भी बोल सकते हो, इनका साइक्लिक मूवमेंट बोल सकते हो, या फिर अप या डाउन जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट, क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। तो ये जो वेदर कुछ फेनोमेना है जैसे कि रेनफॉल वगैरह में आप देख सकते हो, उसको ब्रिज वगैरह आपने देखे होंगे, ब्रिज का नाम सुना होगा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये सब जो फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेनाज हैं, जैसे कि अगर मानसून की जो विंड चलती हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, वो भी इसी फेनोमेना के, कन्वेक्शनल करंट की फेनोमेना के अंदर आते हैं। तो ये तो था चैप्टर पूरा, दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक, दिस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर था, ये मैटर था। तो अगर आपको ये रियल में अच्छा लगा है, तो अगर आपने अभी तक ये पेशेंस बना के रखा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर बहुत आसान नहीं है, जो बच्चों के जिसके अंदर पेशेंस होता है वो एक ना एक दिन जरूर ऊपर जाते हैं, तो अगर आपने रियल में पूरा पेशेंस दिखाया है
तो आप लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। ये मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है, एक टीचर की तरफ से आपको आशीर्वाद है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी भी था। अगर आपको ये रियल में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे कि हमको पता चलता है कि बच्चे कितना इसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपको भी अपडेट मिलेंगे। जो मैं न्यू वीडियो डालूँगा आपको भी अपडेट मिलेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल, और साथ में और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको नेक्स्ट जो वीडियो अगर चाहिए पूरे फुल चैप्टर का चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। अगर 10 कमेंट भी आ जाते हैं कि नेक्स्ट वाला अपलोड करना है तो मैं अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझको। अगर 10 कमेंट भी आ जाते हैं आपके तो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर का। तो अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरी आपकी तरफ से मेरे लिए कोई फीस तो है नहीं, आप ये समझिए गुरु दक्षिणा होगी, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।